हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी। इसे खाने के बाद आप समोसा भी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले मैदा लिया है। यहाँ एक कटोरी मैदा में आधी कटोरी हमें गेहूँ का आटा ऐड करना है। स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा हींग लूँगी, इसमें थोड़ा हम मोमन मिलाएंगे। एक कटोरी में 4 से 5 टीस्पून यहाँ ऑयल लेंगे। यहाँ मैंने मूंगफली का रिफाइंड यूज़ किया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से मट्ठी का आटा करते हैं, ठीक उसी तरीके से थोड़ा मोमन ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मोमन हमारा कम रह गया तो फिर जो ऊपर की लेयर है वो सॉफ्ट रह जाएगी, करारी नहीं बनेगी। तो इसलिए जैसे मुट्ठी बंद मोमन लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें लेना है। और पानी मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और हार्ड भी नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मल चपाती का आटा होता है, ठीक उसी तरीके से हमें ये तैयार करना है। ये मैं 5 से 6 जनों के लिए बना रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना कम आटा है और ये काफ़ी सारे बन के इसमें तैयार हो जाते हैं। इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ उबले हुए आलू लेने हैं, यहाँ 3 आलू काफ़ी रहते हैं तो 3 आलू छील लिए हैं मैंने। इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा गरम मसाला लूँगी। यहाँ आप स्टफिंग को अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी उतना तीखा कर सकते हैं। यदि आपको किसी मसाले का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो भी आप मिला सकते हैं, जैसे चाट मसाला है, या यहाँ प्याज भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल फाइन स्टफिंग हमें करनी है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए आलू की। मैदा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए कितना एकदम सॉफ्ट और बढ़िया मैदा तैयार हुआ है। बस इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा मसल लेना है। अब यहाँ मैं पनीर लूँगी। पनीर के हमें थोड़े मोटे और लंबाई में पीस चाहिए, जैसे 1.5 इंच लंबे मैं काटूँगी इन्हें। आपको दिखा देती हूँ तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें इस पकौड़ों को बनाने में किस तरीके का पनीर चाहिए। ये देखिए इस तरीके का लंबाई में, और ये मोटा आप जितना रखना चाहो। इस तरीके से मैं ये सारे पनीर काट लूँगी। यहाँ आलू की जैसे कचौरी भरते हैं, कोई भी कचौरी हम जैसे स्टफिंग भरते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें पनीर लगाते हुए ये पहले आलू ले लेंगे, और इस पनीर को बीच में रखते हुए आलू से पूरा कवर कर देंगे, कहीं से दिखाई नहीं देना चाहिए। ये देखिए बहुत इजी तरीके से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये इस तरीके से ये हमारा तैयार हो चुका है। एक और बता देती हूँ, यदि इस स्टफिंग में आपका आलू मोटा रह गया तभी अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए आलू को थोड़ा अच्छे से मैश कर लीजिएगा। और कद्दूकस करोगे तो वो फिर हाथों में चिपकेगा, इसलिए हाथों से ही इसको मैश करते हुए स्टफिंग तैयार करनी है। ये सारे बनके मेरे तैयार हो चुके हैं, फिलहाल मैंने इतने ही किए हैं। जो आटा मैंने गूंथा था उसकी मैं 2 लोइयां बनाऊंगी बड़ी बड़ी, और उसे इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम चपाती बेलते हैं, ठीक उसी तरीके से बेलना है। हमें आटा नहीं लगाना है, सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, ये चिपकेगा नहीं, इजी तरीके से बड़ा हो जाएगा। और जैसे चपाती होती है ठीक उतनी ही मोटी हमें लेयर रखनी है,
और इसे रख के जो भी आपने ये आलू के बनाए हैं इसका साइज लेते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कटिंग कर ली है और फिर ये हमारे आलू वाले रोल कभी बड़े हो गए हैं कभी छोटे हो गए हैं तो तब दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। इसको नापते हुए आप कटिंग कीजिएगा। ये एक्स्ट्रा की मैदा हम दूसरे में काम ले लेंगे। और इनके ऊपर भी ये रोल को रख देते हैं। ये देखिए इसको खींचते हुए इस पे चिपका देंगे और इसको बहुत ही आसानी से ये देखिए पूरा गोल घुमा देंगे। बहुत इजी तरीके से ये घूम जाता है, ना हमें पानी लगाने की कोई ज़रूरत है ना इसे चिपकाने की ज़रूरत है। जैसे समोसा वगैरह हम चिपकाते हैं पानी लगा के या मैदा का पानी लगाते हैं तो ये आसानी से चिपक जाता है। यदि आपको लगता है कि हमें चिपकाना चाहिए या आपको डर है कि घी में खुल ना जाए तो थोड़ा आप चिपका सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चिपका सकते। दोनों साइड से इसे बिल्कुल बंद कर देंगे। ये इसको खींचते हुए इस पे इस तरीके से चिपकाएंगे और फिर इसको राउंड में घुमा देंगे। ये देखिए कितने इजी तरीके से बहुत फिनिशिंग में ये बन जाता है और फ्राई होके भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में तो ये है ही बहुत टेस्टी। ये इसे अच्छे से हम जॉइंट कर देंगे क्योंकि यदि ज़रा भी खुला रह गया तो आलू हमारा बाहर भी निकल जाएगा और घी सारा अंदर भर जाएगा तो हमारे पकोड़ों का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसमें आपको एक काम बहुत ध्यान से करना है, ये जैसे हम साइड में दबा रहे हैं उंगली को इस तरीके से प्रेस करना है क्योंकि कभी कभी होता क्या है घी में ये खुल जाता है क्योंकि इसमें ऑयल है तो इतनी अच्छे से नहीं चिपक पाता है। तो यदि हम उंगली से इस तरीके से गड्ढा कर देंगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा और बहुत ही अच्छी शेप बन जाती है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अभी से। घी का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई होना चाहिए। जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं हाई करने के बाद उसको लो कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें घी रखना है और इन्हें घी में बिल्कुल डीप फ्राई करना है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम घी में इन्हें फ्राई करना है, ये डूब जाने चाहिए घी में। अब बिल्कुल गोल्डन सुनहरा होने तक इन्हें फ्राई करना है। मेरी रेसिपी जो भी होती है बहुत इजी तरीके से मैं बताती हूँ और बहुत ही घरेलू रेसिपी होती है मेरी। यदि आपको इस तरह की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की ही रेसिपी मैं हर रोज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर एकदम बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर एकदम, बाकी के हम इसमें छोड़ देते हैं। और इतनी मैदा में ये काफ़ी सारे बन के तैयार हो जाते हैं। अभी मेरे 3-4 और बाकी हैं जो मैंने अभी नहीं बनाए हैं। ये एक बार बनाएंगे तो आप ये कहेंगे कि समोसे से बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कितना भी तीखी भर सकते हैं। ये अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। पहले तो आप लुक वाइज देखिए कितना सुंदर है। यदि आपके घर में गेस्ट आते हैं तो इन्हें बना के आप इजी तरीके से उन्हें सर्व कर सकते हैं। पहले से 1-2 घंटे पहले आप बना के रख सकते हैं और जब वो आएँ तो इन्हें गर्मा गर्म फ्राई करके उन्हें चाय के साथ खिला सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खस्ते एकदम बहुत सॉफ्ट हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो इस तरह की रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।